दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलोन मस्क का एक हालिया ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ट्विटर खरीदने के बाद मस्क ने ट्वीट करते हुए दुनिया की सबसे फेमस सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी कोका कोला को खरीदने और उसमें कोकीन मिलाने की बात कही है। आइए जानते हैं कि आखिर मस्क ने क्या ट्वीट किया है। क्या ट्वीट किया इलोन मस्क ने? गुरुवार को ट्वीट करते हुए मस्क ने लिखा कि अब अगला मैं कोका कोला खरीदने जा रहा हूं ताकि उसमें फिर से कोकीन डाल सकूं। मस्क के इस ट्वीट के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या सच में कोका कोला में कोकीन या इस तरह का कोई भी नशीला पदार्थ मिला होता था। क्या सच में कोक में होता था कोकीन? कोका कोला कंपनी की स्थापना सन 1885 में जॉर्जिया के एक फार्मासिस्ट जॉन पेम्बर्टन ने की थी। दरअसल कंपनी ने जब पेय उत्पाद को पहली बार लॉन्च किया था तो इसमें कोकीन डाली जाती थी। यह कोकीन कोक की पत्तियों से निकाला जाता था। इसमें दूसरा सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ कैफीन था, जिसे कोला नट से निकाला जाता था। यही वजह है कि इस उत्पाद का नाम कोका कोला रखा गया था। शुरुआत में एक बोतल में कोकीन की मात्रा करीब 3.5 ग्राम रहती थी। अमेरिका के गृह युद्ध में जख्मी पेम्बर्टन को मॉर्फिन की लत लग गई थी। उससे छुटकारा पाने के लिए पेम्बर्टन ने शराब में कोला की पत्तियों का रस मिलाकर पीना शुरू किया। अच्छा लगा तो उसे बेचना भी शुरू कर दिया। असल में कोका कोला में जो पहला शब्द कोका है वो इसमें मिलाए जाने वाले कोका की पत्तियों के रस की वजह से है। दवा के तौर पर इस्तेमाल होता था कोकीन। बता दें कि पहले अमेरिकी और यूरोपीय देशों में कोकीन का इस्तेमाल दवा की तरह से किया जाता था। इसे सिर दर्द और थकान के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता था। रिपोर्ट्स के अनुसार समय के साथ साथ कोक में कोकीन की मात्रा कम होती गई और 1929 में कोक पूरी तरह से कोकीन फ्री हो गई, जिसके बाद कोक पूरी दुनिया में सॉफ्ट ड्रिंक की तरह मशहूर हुई। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पूरी दुनिया में रोज करीब 2 अरब कोका कोला की बोतलें बिकती हैं। हो सकता है कि आप भी खबर देखते देखते कोक ही पी रहे हों।